बस बस अपनी फिल्मी लाइंस अपने पास रखी। आज आप मुझसे दूर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आज हमारी सुहाग रात है। सबने मुझसे कहा जाओ, श्रद्धा के पास जाओ, आज तुम्हारी सुहाग रात है। उसे इस सुहाग रात में होता क्या है बताइए ना। सारी रस्में हो गई, सारे रिवाज भी हो गए, इन सुहाग रात में क्या होता है बोलिए ना। ऐसे कुछ कुछ क्या बात है? कुछ नहीं, ओ, बस अपने हस्बैंड से कुछ छुपाया नहीं जाता। और फिर हम तो फ्रेंड्स हैं, राइट? आपको पता है से कुछ कहना चाहता। आज शादी में सबने बहुत सारे तोहफे दिए, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर मैंने भी सोचा आज मैं अपनी वाइफ को कुछ स्पेशल देना चाहता हूं। बहुत सोचा मैंने कि आपको क्या अच्छा लगता है। फिर लगा क्यों ना आपसे ही पूछ लो, आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना अपने हस्बैंड से। तो क्यों ना आज आप मुझसे कुछ मांग ले। सच में जो भी आपकी विश होगी ना से मैं जरूर पूरा करूंगा। I promise. बोलिए आपका दिल क्या चाहता है? मेरा बेटा सॉरी कुणाल, वो मैं दरअसल मेरा मतलब कहने का ये नहीं था कि मुझे ध्रुव से अब भी मिलना है। Come on, श्रद्धा, I say sorry. Of course I understand. जब मैं ध्रुव को इतना मिस कर रहा हूँ तो सोच सकता हूँ आप उसे कितना मिस कर रहे होंगे। बार बार मैं यही सोच रहा था कि हमारे बीच ना कुछ मिसिंग है। Here it is. A little truth is missing. है ना? हमेशा वही तो हमारे साथ रहा है, उसी ने तो हमेशा मेरा साथ दिया। उसे पटा करी तो मैंने आपको पटाया। It's my body. उसे कैसे बोल सकता, राइट? मैं भी उसे लेकर आता हूं।
भी नहीं, मतलब इतनी रात को घर पे सब लोग क्या सोचेंगे? या मैंने कभी इस बात की परवाह की है? नहीं ना, बस ओम थोड़ी गुस्सा होगी, लेकिन मैं उन्हें निपट लूंगा, तो टेंशन मत लीजिए, ओके? मम्मी जी को क्यों प्रॉब्लम होगी? ओम को तो आप जानती है ना, उन्हें हर बात से प्रॉब्लम होती है, अरे उसके बिना तो उनका खाना ही हजम नहीं होता है। अब बाहर जाऊंगा ना तो उन्हें मौका मिल जाएगा कि कुणाल इस वक्त कहां जा रहा है, बट आई विल हैंडल, प्रॉमिस, आज तक किया है, आगे भी करूंगा, और कुछ दिनों में तो आपको भी सिखाऊंगा, फिर लाइफ एकदम स्मूथ रन करेगी। मेरे डैड है ना, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तो आपका भी साथ देंगे। सो यू जस्ट चिल, ओके? मैं अभी गया, प्रूफ को लेकर आता हूं।